तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत और रशिया को लेकर, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से भारत को नजरअंदाज करने के कारण रशिया का आज सारा धंधा चौपट हो गया है, और आखिरकार क्यों कई सारे देश प्रतिबंध ना होने के बावजूद भी रशिया का माल छोड़कर भाग रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का रशिया एक भरोसेमंद साथी माना जाता है, और कच्चे तेल के अलावा भी भारत और रूस की दोस्ती की गहराई की कोई सीमा नहीं है। पर अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है, तब से रशिया ने भारत से तो दोस्ती बढ़ाई है, परंतु चीन के साथ रूस की साझेदारी कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है, और यहां पर रूस ने भारत को एक प्रकार से नजरअंदाज कर दिया। अन्यथा यदि भारत और रूस का रुपए रूबल ट्रेड सेटलमेंट आज स्टार्ट हो जाता, तो आज रूस को दुनिया के किसी भी देश के सामने अपना माल बेचने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते, और पूरा माल भारत और चीन ही उठा लेते। दरअसल आज यह खबर निकल के सामने आई है, जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो, कि रशिया का ऊर्जा मार्केट लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी रशिया से माल खरीदना बंद कर चुका है। वहीं पर रूस के दो बड़े खरीदार हैं चीन और भारत, और भारत के साथ भी व्यापार अब डगमगाने के स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि डिस्काउंट अब भारत को मिल नहीं रहा है, साथ में पेमेंट का इशू भी बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। इसके अलावा रशिया के ऊर्जा मार्केट के गिरने में सबसे बड़ा हाथ रशिया की एलएनजी का है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया के एलएनजी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए थे, परंतु आज भी रशिया के अधिकतर जो एलएनजी के ग्राहक थे वो अब रशिया की गैस को खरीदने से बच रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ एलएनजी की डील साइन कर रहे हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह है रशिया के एलएनजी की पेमेंट, जो कि किसी भी देश के द्वारा करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जैसा बड़ा ग्राहक भी पेमेंट के इशू के चलते रूस के एनर्जी मार्केट से दूर हो सकता है। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और आज रशिया का जो ऊर्जा व्यापार बिल्कुल ठप होने के कगार पर आ गया है, क्या उसके पीछे रूस का भारत को नजरअंदाज करना एक बड़ा कारण है? कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।